पता चेगा तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे या टू बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन केड़े अकाउंट का होगा जिन्ना दा खाता डेबिट है। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा जिन्ना दा खाता क्रेडिट है। ठीक है, लेजर तो सारे अकाउंट्स की इनफॉर्मेशन आ गई केड़े केड़े पर्टिकुलर अकाउंट का साल या महीने के अंत पर कितना बैलेंस है वो सानू इत्थे पता चल गया आ अमाउंट या ए वाली अमाउंट। कैश बुक तो साढ़े को कैश का बैंक का डिस्काउंट का पता चल जाएगा। ठीक है, तो जेड़े जेड़े इन्हों के बैलेंस है इतने पर्टिकुलर च 1234 सीरियल नंबर मान लो कैश बैंक डिस्काउंट ठीक है या फिर अपना कुछ भी है मशीनरी है सैलरी है। ठीक है, सारे जिन्हें भी अकाउंट से लिख ले जिसका बैलेंस डेबिट वाले पास शो हो रहा है मतलब अगर बाय बैलेंस कर डाउन लिखा है यदि मतलब वह बैलेंस कि डेबिट और डेबिट वाली साइड। ठीक है, मान लो बैंक का बैंक अकाउंट भावे डेबिट हो क्रैडिट हो अपना उतों पता चलेगा अकाउंट जो मर्जी है कैश है बैंक है मशीन है डिस्काउंट है सैलरी है। ठीक है, तो यह सूँ इतों पता चलेगा कि डेबिट है क्रैडिट है। मान लो बैंक से इधर वाली साइड आ गया टू वाली साइड तो वो बैंक से मतलब क्रैडिट वाली साइड लिख देंगे। क्लीयर, आए अकाउंट लिखते जावे घर तिको ही है इन्होंने दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए बराबर है यद मतलब तुम जर्नल भी लैजर भी कैश बुक भी सारे अकाउंट सही बनाए हैं इन्होंने दोनों का टोटल भी बराबर आ गया। ठीक नहीं बराबर आया गड़बड़ होगी गड़बड़ इन्नी गंदी होगी कि कल कल लैजर का बैलेंस चेक करना पड़ेगा सैलरी का भी मान लो जिन मान लो इतने तेजे को आ स्टेटमेंट के पाँह अकाउंट है पाँह के पाँह अकाउंट का लैजर अकाउंट चेक करना पड़ेगा तो पाँह के पाँह लैजर अकाउंट चेक करने वास्ते बैलेंस सू सारा जनरल चेक करना पड़ेगा क्योंकि गलती तो जनरल तो शुरू होगी जनरल की एंट्री तुम लैजर पोस्ट कर दो। ठीक है, तो पहला ही सही तरीके एंट्री पोस्ट हुई होगी तो ट्रा फिर लैजर भी सही बनेगा ट्रायल बैलेंस भी सही। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन की है ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस इज अ ट्रायल स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेज ऑफ डेबिट और क्रेडिट अकाउंट टेकन फ्रॉम द लैजर बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की है एक स्टेटमेंट है ट्रायल लैन वास्ते बैलेंसिस दे डेबिट या क्रेडिट अकाउंट्स दे कितों चके गए हो लैजर अकाउंट तो उन्होंने पोस्ट किया गया इस स्टेटमेंट से। क्लीयर, ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्लीयर एक ट्रायल लैन वास्ते मैं ट्रायल लैके मैं एक अंदाजा लग गया कि मेरे को मेरी बिजनेस इस पॉइंट पर खड़ा मेरे को हाथ चलना कैश इन्ना मैं डिस्काउंट एस एल लोगों को पे किया इन्नी सैलरी पे की है मेरी मशीनरी की वैल्यू इन्नी है ओनर मालिक न या उस बिजनेस नाल जुड़े हुए जिन्हें भी लोग है सारे उस बिजनेस की फाइनैशियल कंडीशन पता लग गई कि आ ट्राई ट्राई जी पता लग गई कि इतने जो खड़ा बिजनेस। क्लीयर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस तो बाद जो असी चीज़ प्रिपेयर करते हैं उन्होंने बोलने आप बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होंगी है एक्चुअल बैलेंसिज ऑफ द अकाउंट पर बैलेंस शीट से एक शर्त है बैलेंस शीट जैसे सिर्फ तीन चीज़ा ही लिखनी है साड़ी अकाउंटिंग इक्वेशन वाली आई तीन चीज़ा लिखनी और कोई चीज़ नहीं लिखनी। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लाइबिलिटी तो कैपिटल खब्बे पास एसेट्स सज्जे पास। ठीक है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है उसके वास्ते दो अकाउंट होर पहला बनेंगे जे तो अगर साड़ी फर्म है जी दुकान है या साड़ा बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है असी कुछ प्रोड्यूस करते हैं फिर बेचते हैं तो फिर साड़ा बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट या असी खरीद के भी बेचते हैं फिर साड़ा बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। अगर साड़ा सर्विसेज का बिजनेस है सेवावां का बिजनेस है फिर आ वाला अकाउंट नहीं बनेगा फिर बनेगा एक बनेगी इनकम स्टेटमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनना ही बनना
जड़ा मर्जी टाइप का बिजनेस हो गए। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है पवा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है फिर ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, तो उस बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर साडा सर्विसेज का बिजनेस है फिर इनकम स्टेटमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ये दोनों क्यों बनेंगे आ दोनों या आ दोनों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सानू पता चलेगा नेट प्रॉफिट क्या साल से कितना पैसा कमाया। नेट प्रॉफिट क्यों जरूरी है, क्योंकि नेट प्रॉफिट किसकी कमाई है, किस बंदे की कमाई है, प्रॉफिट किसकी कमाई है, बिजनेसमैन की, ठीक है, या बिजनेस ने कमाया बिजनेसमैन नू देना, बिजनेस ने कमाया किसके वास्ते, बिजनेसमैन वास्ते। तो बिजनेसमैन नू जदों मिलेगा तो वो कैपिटल च ऐड हो जाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया कैपिटल है, जो प्रॉफिट कमाया उन्होंने भी असं फिर कैपिटल मान लेंगे। जो असी बिजनेस बिजनेसमैन के नाम तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा तो वह मान लेगा कि कैपिटल ही है मालिक दी, ठीक है, तो वह पैसा उधर ऐड हो जाएगा, क्लीयर है। इस करके बैलेंस शीट बनाने वास्ते आ दोनों अकाउंट या आ दोनों अकाउंट बनाने कंपलसरी है, ठीक है। बैलेंस शीट तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बैलेंस शीट आप कल करना, कल मतलब बुधवार वाली लैक्चर करा, ट्रायल बैलेंस समझ लग गया। हम कई बार क्या होता ट्रायल बैलेंस जो असी बनाया ये तो ट्रायल लैन वास्ते सीगा, पर जो साल के लास्ट दिन 31 मार्च में जो असी बैलेंस शीट बना बैठे सानू कुछ एक्सट्रा गल्लां पता लग गया, सानू मतलब मैं अकाउंटेंट हाँ, मैंने कुछ एक्सट्रा गल्लां पता लग गई कि आह आह ट्रांजैक्शन हुई सी या नहीं हुई या इन्हां दे विच कुछ बदलाव है, ठीक है। मान लो ट्रायल बैलेंस बन गया है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, नाल दित्तियां होणगियां एडजस्टमेंट्स, तो मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स पता लग गया कि जो भी असी एंट्रीज कीतियां सी जनरल लैजर जो भी किया उस तो बाद कुछ 4-5 ट्रांजैक्शंस पूरे साल च अजियां होईयां जिहड़ियां होईयां ही नहीं सी, गलत शो हो गईयां या जड़ियाँ गलत शो हुई सी उन्होंने सही करना है, या जिन्हें भी छोटी मोटी कोई तब्दीली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो लैजर दे लैजर्स पेज नंबर 274 इज सैलरी अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल लैजर दे जरा 274 नंबर पेज है वो सैलरी अकाउंट है, तो जो 274 नंबर पेज एंड होया आफ्टर पोस्टिंग 274 पेज बैलेंस दैट इज 559 फॉर एग्जाम्पल, 294 रॉन्गली पोस्टेड रुपीज 595, 274 नंबर का पेज पेज खाली हो गया, ओ खत्म हो गया 274 नंबर के पेज से बैलेंस ही लास्ट है 509, हूँ 294 मतलब अगले पेज से लैके गए उदो गलती 509 दिता 595 लिखा गया, ठीक है, 36 रुपये का वो आ गया कपला आ गया। हूँ ये वास्ते ये तो नहीं गा कि सारा जनरल चेंज करो सारा लैजर चेंज करो, वो वास्ते की है फिर एक एडजस्टमेंट कर देंगे इतने ही जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनावेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही सैलरी 36 रुपये माइनस कर दें, ठीक है, उन्होंने इन्हों बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो ट्रायल बैलेंस के नाल एडजस्टमेंट एंट्रीज भी दित्तियां हो सकती हैं सानू बैलेंस शीट बनाने वास्ते, क्लीयर। ऐसे करके यदा नाम ट्रायल बैलेंस है, ऐसे करके नाम ट्रायल बैलेंस है कि ट्राई लै लो पर हो सकता कोई एडजस्टमेंट करनी पै जाए, ठीक है, क्लीयर। ट्रायल बैलेंस ओके है, ट्रायल बैलेंस से कुछ भी नहीं गा, सिर्फ लैजर का जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस है बाय वाला बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है टू वाला बैलेंस है उन्होंने आपकी आपकी जगह डेबिट से क्रेडिट से लिखना है, और कुछ क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, ठीक है। मान लो सिर्फ या तो यह आ सकता कि कैश का बैलेंस बोलता है बाय बैलेंस कैरी डाउन 90 रुपये, तो ट्रायल बैलेंस केड़ी साइड लिखांगे ये आ सकता, या ट्रायल बैलेंस का मीनिंग आ सकता बुकिश बुकिश लैंग्वेज मीनिंग आ सकता कि ट्रायल बैलेंस हुंदा की है,
है, या ट्रायल बैलेंस का तो प्रिपेयर था, ट्रायल बैलेंस साल चुको हुआ प्रिपेयर हो, साल के आखिरी दिन, ठीक है। ट्रायल बैलेंस नहीं अपना वास्ते इंपॉर्टेंट है, ट्रायल बैलेंस नू समझना इस करके जरूरी है क्योंकि उन्होंने समझा कि टाइम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बन, ठीक है। मेन आज जरा आप आज का टॉपिक करना वो है डेप्रिसिएशन। हाँ जी, डेप्रिसिएशन की सीगा ओ पंजाबी, कोई भी टीचर जदों कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो हिंदी या पंजाबी नहीं पूछता, वो तो मीनिंग पूछता है कि मीनिंग की है, साडा की अभिप्राय है, एसेट्स दे विच आई कमी, एसेट्स दी वैल्यू दे विच आई कमी। आ डस्टर एस अकेडमी की एसेट है, ठीक है, इन्हें मैं थले देखता, ये कमी नहीं आई, यदि वैल्यू के कमी है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की है एसेट की वैल्यू के आई कमी, ना कि एसेट के आई कमी, ठीक है। एक कंप्यूटर सीगा, कंप्यूटर खराब हो गया, तो तुसी अकाउंट से था वो 20,000 जी वैल्यू लिखी, 20,000 वैल्यू मान लो कटा के माइनस करोगे ना, ये थोड़ी ना कहूँगे कि एक कंप्यूटर सी -1 -1 0, ठीक है। पंजाबी कहते हैं शब्दों का ही खेड़ है सारा, है ना, शब्द सही है आंसर अपना सोते मिल जूगा। चलो कोई नहीं, आज का अपना टॉपिक है डेप्रिसिएशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जर्नल तो बाद जनरल तो जमें तो थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड दोनों बेस्ड से इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा थ्योरी बेस्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो इक्को टाइप का बनता है। मैं तुम्हें हमने दस दिना की सिस्टम है डेप्रिसिएशन की है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू के आने वाली कमी, ठीक है। एक सेकेंड, जी डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन लगाई का तो जानती है, मैं तुम्हें सारा प्रोसेस दसता, ठीक है। अगर ता अकाउंटेंट दे पॉइंट ऑफ व्यू ना सोचा जाए क्यों लगाई जाती है डेप्रिसिएशन, कि मैनू एक रियल वैल्यू मिल जाए मेरे बिजनेस दी। डेप्रिसिएशन लगाना कई बार जरूरी भी है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कि इंश्योरेंस करवाया होगा ना, अगर तुम कद इंश्योरेंस करवाया या कदे टाइम मिले तो इंश्योरेंस खोल के देखा जाए वह स्कूटरी का या बाइक का, जो कराया वे तो वैसे चलो हूँ तक कराने जरूरी हो गए, चलान बड़े खतरनाक पक्के करते सरकार ने, तो देखा जे वो ना वैल्यू लिखी होंगी है बाइक की या स्कूटी की, तो पिछले साल की एक इंश्योरेंस की कापी चक लिया जाए तो इस साल की इंश्योरेंस की कापी चक लिया जाए, जी इस साल वाली होएगी वो बाइक या स्कूटरी की वैल्यू पिछले साल वाली स्कूटरी या बाइक की वैल्यू नालों घट लिखी होगी, क्योंकि वो सानू एक्चुअल अमाउंट चाहिए होंगी है कि अज के टाइम चा बाइक या प्रॉपर्टी या एसेट इन्ने रुपया की हैगी, वो एसटीमेटेड जहा लगा लेंगे कि हाँ जी मान लो हर साल बाइक की वैल्यू 10% घटी जाती, ठीक, क्योंकि कंपनी को हूँ कंपनी को फायदा है। जो बाइक की वैल्यू उत्थे मान लो जो खरीदी सी 50,000 से 5 साल बाद उसकी बाइक की वैल्यू इंश्योरेंस वाली कापी से 30,000 बोलती है, उन्होंने कल तुम्हें 30,000 ही देना पड़ेगा, अगले तुम्हें 50,000 कहता देना, 5 साल तुम वरती भी तो है वो बाइक, किसी भी इंजन भी किसी, टायर भी किसी, ब्रेक भी किसी,
ना ता अकाउंटेंट का यह परपस हुंदा है रेप्रजेंटेशन शो करन दा अकाउंट च कि बिजनेस नू भी बिजनेसमैन नू भी प्लस गवर्नमेंट नू भी ते जिन्ने भी एसोसिएटेड परसन है उस बिजनेस नाल उन्होंने एक फेयर इमेज मिल जाए उहदी अकाउंट्स की ते बिजनेस की कि आह इन्नी इन्नी वैल्यू की प्रॉपर्टी है इस बिजनेस को। मान लो मैं बैंक हाँ, मैं बैंक हाँ, मैं किसी बिजनेस नू लोन देना, ठीक है, बिजनेस को बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की वैल्यू अगर उन्होंने 1 करोड़ शो की भी है, अज के टाइम जो डेप्रिसिएशन लग लग के इस बिल्डिंग की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 80 लाख ही है, तो मैं अगर मैं गलत प्रेजेंटेशन की जाएगी कि साड़ी बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ है, तो फिर मैं 1 करोड़ के अकॉर्डिंग लोन देता, बैंक का नुकसान, सरकार का नुकसान, सरकार का नुकसान, सारे देश का नुकसान, ठीक है। इस करके अकाउंटेंट की जिम्मेवारी है फेयर इमेज शो करना किसी भी बिजनेस की। इस करके एसेट्स ते जिन्ना ते डेप्रिसिएशन लगती है वो लगा के शो करेगा कि हाँ जी इन्नी डेप्रिसिएशन लग के इन्नी एसेट की वैल्यू रहेगी। ये तो है अकाउंटेंट के व्यू, ठीक है। अगर बिजनेसमैन के व्यू नाल सोचिए, बिजनेसमैन का व्यू मैं तुम दस जीगा, डेप्रिसिएशन एक खर्चा मानते हैं, खर्चा वधावे तो प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो टैक्स कट देना। बिजनेसमैन इस करके चाहता है कि मेरिया एसेट्स की वैल्यू घट करके शो की जाए, ठीक है। अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन की है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है कि असी एक मशीनरी खरीदी 1 जनवरी 2020 ने, उसकी लाइफ टाइम है 10 साल, 10 साल बाद उसकी कितनी वैल्यू होएगी, या 10 साल बाद उसको जिनी भी वैल्यू होएगी, मान लो एक लख की मशीन लीती सी, पहले तो वो डेप्रिसिएशन लगाओ 10 साल, 10 साल बाद की जिनी भी वैल्यू है आई डोंट नो, उन्होंने असी 48,000 का बेचता, दसो प्रॉफिट होया कि लॉस है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन फॉरमैटिंग होंगी है डेप्रिसिएशन की, ठीक। तो कुछ मैथड्स है डेप्रिसिएशन चार्ज करन दे कि डेप्रिसिएशन किवें लगाई जाती है किसी एसेट ते। उहदे विच सब तो पहला मैथड हुंदा नॉर्मल मैथड, नॉर्मल मैथड च की चीज़ है, नॉर्मल मैथड यानू बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मैथड, नॉर्मल मैथड या स्ट्रेट लाइन मैथड। इहदे विच की होएगा एक फॉर्मूला भी है या एक सीधा भी बना सकते हैं। फॉर्मूला की है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, या स्क्रैप वैल्यू वास्ते वर्ड यूज हो सकता है ऑब्सोलीट वैल्यू, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एसेट, मतलब नंबर ऑफ लाइफ इयर्स ऑफ एसेट, ठीक है। हम ओरिजिनल कॉस्ट उमें निकालनी है जिमें मैं तुम्हें कॉस्ट कंसैप्ट दसिया सीगा कि मशीन नू जितों खरीदया उतों चक के अपनी दुकान च लिया, जिन्ना टोटल खर्चा सारा कॉस्ट च आएगा। ए नहीं मनना तुसी कि जी लख की मशीनरी खरीदी तो लख दी हुई है, ठीक है। अगर वो तो 1 रुपया भी कोई होर खर्चा होया वह भी वो कॉस्ट के ऐड हो जाएगा, 100 रुपया रेहड़ी खर्चा, 500 रुपये चुंगी, ठीक है, 10 रुपये का कोई नट खरीदया, 1 रुपये की कोई कुछ भी एनीथिंग, तो वह कॉस्ट से ऐड हो जाएगा। माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या ऑब्सोलीट वैल्यू जदों वो मशीन जमा कबाड़ हो जाएगी उदों उन्हों जदों सेल करांगे तो कितना रुपया घट्टो घट्ट मिलेगा ही मिलेगा, होंगी वो स्क्रैप वैल्यू या ऑब्सोलीट वैल्यू डिवाइडेड बाय किन्ने साल वो मशीन काम करे, ठीक है। हम मान लो फॉर एग्जाम्पल आ फैन है, ठीक है, फैन ये आया 1000 रुपये का, ठीक है, 50 रुपये पेट्रोल लग गया लैके आता, 1050 रुपये ये फैन है, तो जिन्ना के फैन है मैं वेट वूट वेख्या, मैं जो ये जमा खराब हो गया
घट्टो घट 200 रुपए का लोहे के पाच तो जाएगा ही जाएगा, लोहा या जिस भी मैटल का बने 200 रुपए का जाएगा, डिवाइडेड बाय जिन्ने साल काम किया, मान लो ये 6 साल चलिया डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप एग्जाम्पल लीती है 10,000 रुपये का कोई समान है, 2,000 वो कबाड़ की वैल्यू है, मान लो 8 साल चलिया तो 8,000 × 8,000 हर साल उस फैन पर या उस मशीन पर 1,000 रुपये का डिप्रिसिएशन लगेगा, हर साल उस एसेट की वैल्यू इसी 1,000 रुपया घट शो कर, ठीक है। ठीक है, एक आ पॉइंट है, मान लो ये नाल ही सानू लिख के देता कि आफ्टर 3 ईयर्स एसेट सोल्ड फॉर ₹7,500, 3 साल बाद एसेट 7500 की बेचती, हूँ दसो प्रॉफिट होया कि लॉस होया। हम सानू पता है हर साल 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन लानी है, तो 3 साल की डेप्रिसिएशन 3,000 होगी, 10,000 से 3,000 गए 7,000, 7,000 वाली चीज 7,500 की बेचती, 500 प्रॉफिट, क्लीयर। इहदा नाम स्ट्रेट लाइन मैथड, इस करके है कि हर साल बराबर डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट डेप्रिसिएशन लगेगी, एक साल 1,000 लगी, अगले साल 20,000, दूजे साल 20,000, तीजे साल 5,000, भावें मशीन 100 साल चले 100 साल वो वैल्यू सी 1,000 ही डेप्रिसिएशन शो कर ली, क्लीयर है, ठीक है। सेकेंड मैथड है रिटन डाउन वैल्यू मैथड, रिटन डाउन वैल्यू मैथड, या इनू बोलते हैं डिमिनिशिंग कॉस्ट मैथड, डिमिनिशिंग कॉस्ट मैथड, ठीक है, ओके। शॉर्ट फॉर्म च WDV DM DCM क्वेश्चन च आ जाता है, WDV मैथड लिखा गया, बोंदल ने लिखा कि आ गया, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग कॉस्ट मैथड। ये फॉर्मूला थोड़ा जहा चेंज है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, हूँ आ चीज मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन परसेंटेज, ये फॉर्मूला काम आएगा फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, पहले साल फॉर्मूला काम आएगा सिर्फ पहले साल, सेकंड ईयर की होएगा आ फॉर्मूला लगाने तो बाद जो भी डेप्रिसिएशन आई, जो भी अमाउंट आई, हूँ उन्होंने इतने ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके जो भी वैल्यू आएगी हूँ उन्होंने करना गुना डेप्रिसिएशन की परसेंटेज। मान लो आपकी मशीन हैगी 10,000 की, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू है जीरो, एक बार हजे कबाड़ की वैल्यू 10,000 है, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, अब पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी 1,000, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 10,000 से 1,000 गए 9,000, हूँ 9,000 का 10% करना 900, तीजे साल का 9,000 से 900 गए 8,100 इंटू 10% 810, इतने चौथे साल 8,100 गए 7,290 गुना 10% 729, इस तरीके डेप्रिसिएशन चल, ताइए यदा नाम रिटर्न डाउन वैल्यू है कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई 10,000 माइनस 1,000 9,000 उसकी वैल्यू तो डेप्रिसिएशन लगेगी, या डिमिनिशिंग कॉस्ट है कॉस्ट घटी जाती है 10,000 तो 9,000 होगी 9,000 तो 8,100 होगी 8,100 तो 7,290 होगी कॉस्ट घट गई, क्लीयर, ठीक है, याद रहेगा, ओके। तो यह हो गया तुहाडा न्यूमेरिकल पोर्शन डेप्रिसिएशन का, ठीक है। जो थरैटिकल पोर्शन है वह भी इसे चो भी कवर हो जाता है, जो मान लो जी फॉर्मूला पूछ लिया कि स्ट्रेट लाइन मैथड का सही फॉर्मूला की है, ठीक है, या नॉर्मल जे डेप्रिसिएशन के एडवांटेजेस डेप्रिसिएशन के डिसएडवांटेजेस डेप्रिसिएशन
इस तरीके ना लगती है, क्यों लगती है, ये सारे नॉर्मल जे क्वेश्चंस, ठीक है, ये बारे दस दिता मैं तुहानू कि अकाउंटेंट का की परपज़ है, अकाउंटेंट क्यों लगाना चाहिएगा, डेप्रिसिएशन बिजनेसमैन क्यों लगाएगा, नुकसान डेप्रिसिएशन दे लगान दे पहला नुकसान सब तो वड्डा कि इहदी कैलकुलेशन च मिसटेक नहीं, इहदी कैलकुलेशन ही आपदे आप च एक खराब जी चीज़ है, ठीक है, सानू की पता कि उहदी वैल्यू 10% ही घटेगी, मोटरसाइकिल दी या एसेट दी वैल्यू 10% ही घटेगी, मैंने की पता, मैं भी इमेजिनरी ही है, मनघड़ंती है, आपकी मन मर्जी ना लिखता, हुण उहदे नाल बिजनेस की वैल्यू सही शो होने की बजाय सगो होर गलत शो हुई, फिर तुसी जान के आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू घट शो की है कि तुहानू आपदे, चलो नॉर्मल दुकान के लैवल से तो कोई चक्कर नहीं, कंपनी लैवल से तुसी जान के डेप्रिसिएशन की वैल्यू घट ज़्यादा शो की है, एसेट की वैल्यू घट शो की है ताकि तुहानू आपदे शेयर होल्डर्स में पैसा घट देना डिविडेंड घट देना पवे, ठीक है, तो ताड़ी कंपनी दे मार्केट का शेयर प्राइस मार्केट शेयर्स का मार्केट प्राइस ज़्यादा बढ़े ना तो उन्होंने ज़्यादा बदलाव ना, ठीक है, हम देखो जिवें आप चलो थोड़ा जनरल नॉलेज का तुम दस दिना, वैसे तो टॉपिक का पार्ट नहीं है, आ समझ लगे, ठीक है, अज लिए इन्ना ही करना अपना काम उसका, हम ये होमवर्क आई है कि ये रिलेटिड क्वेश्चन देख लिया जी, थोड़ी थ्योरी पढ़नी हो पढ़ लिया जी, ठीक है, पर जनरल करो कवर करो आपका, जनरल जल्दी से जल्दी कवर करो आपका, ठीक है, ये तो बहुत ही उच्चू जहा पॉइंट है जनरल के अगे, ठीक है, हाँ मैं तुम स्टॉक मार्केट की गल कर रहा था, दो तरह की मार्केट होंगी साड़ी, कैपिटल मार्केट बोलते हैं ना, कैपिटल मार्केट बोलते हैं हिंदी कहते हैं पूंजी बाजार, पंजाबी पूंजी बाजार, ठीक है, दो तरीके का होंगे प्राइमरी सेकेंडरी, हिंदी या पंजाबी प्राइमरी ने कहते हैं प्राथमिक, ठीक है, सेकेंडरी की बजाय यह नाम यूज होंगे स्टॉक मार्केट स्टॉक बाजार, ठीक है, प्राइम ये दोनों बाजारों कोई डिफरेंस नहीं गा, अलग अलग बाजार है, ये सेकेंडरी मार्केट आ प्राइमरी मार्केट है सेकेंडरी मार्केट है, ये मान लो कोई कंपनी हैगी मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साड़ी कंपनी है, ये थ्रू असी शेयर्स बेचने हैं, ठीक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही प्राइमरी मार्केट होने का काम करूगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही सेकेंडरी मार्केट होने का काम करेगी, किमें प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होंगी है जिथे कंपनी नवे शेयर बेचती है, मान लो कि कंपनी हमें आपकी नवी कंपनी खोलती, ठीक है, वाई के जी एंड कंपनी एग्जाम्पल, मैं इतने पहली बार आपके शेयर बेचे, वाई के जी एंड कंपनी ने पहली बार आपके शेयर बेचे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थ्रू फॉर एग्जाम्पल, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उत्तर कि मार्केट बन जाएगी प्राइमरी मार्केट, हम मैं पहली बार नहीं शेयर बेच रहा, मैं आपकी शेयर दूजी तीजी चौथी 100 times मैं आपके शेयर बेच रहा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थ्रू ही, वो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी पहली बार आपके शेयर बेचेगी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज थ्रू तो उस स्टॉक एक्सचेंज प्राइमरी होगी, उस तो बाद जो मर्जी बेचे सेकेंडरी जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट, ठीक है, हम एक नाल नाल एक पॉइंट होंगे बाय बैक ऑफ शेयरस, शेयरस मैं बेचे कंपनी के मालिक ने कंपनी का हिस्सा बेचा किसी फलाने बंदे को या जनता को, ठीक है, वो बेच के कुछ पैसे मिले या जिन्हें भी पैसे चाहिए से असी ले ले, सरकार ने 1960 के दशक च बायबैक ऑफ शेयरस में मंजूरी दी थी इंडियन गवर्नमेंट ने, बायबैक ऑफ शेयरस की हुंदा सानू पहले पैसों की लोड़ सी तां असी लोगों तो पैसा लै लिया उन्होंने उहदी कंपनी दे विच हिस्सा बेचता, पर हुण सानू पैसा आ गया प्रॉफिट कमा लिया, हुण सानू उस पैसे की जरूरत नहीं हैगी
ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੇਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਏ ਬੈਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਜੇ ਲੈ ਜੇ ਲੈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ ਕੌਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਪੱਕਾ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੋਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਸਟੋਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਹੋਇਆ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 36 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000-1000 ਰੁਪਈਆ, ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 180 ਤੋਂ 36, 216 2016 × 1000 2,16,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000-1000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 37ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੋਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ 11 ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਚਤਾ। ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਸੱਟਾ ਲੀਗਲ ਸੱਟਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਇਹ ਕਿ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਏਗਾ ਹੀ ਦਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 200 ਰੁਪਏ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 225 ਦਾ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਸੱਟੇ ਬਜਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਆਪਦੀ ਵਧਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 10,000 'ਤੇ ਗੇਮ ਲਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 20,000 'ਤੇ, 30,000 'ਤੇ, 50,000 'ਤੇ ਗੇਮ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸੱਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਰਫ ਸਟੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ, ਸਟੋਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 1.80 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ, 10 ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਰੁਪਏ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5,000-6,000-10,000 ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੀਏ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਟੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੋਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਬੇ ਸਟੋਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸੈਬੀ ਸੁਣੇ, ਸੈਬੀ SEBI, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਰੂਲ ਹੈ ਸੈਬੀ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸਟੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ
ਕਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਏ ਬੈਕ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨਾ ਹਿਲਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੱਢੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਪਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵਾਪਸ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਇਛੁੱਕ ਨੇ ਆਉਣ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਦਾ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਹੈ ਬਾਏ ਬੈਕ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 20% ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਸਾਲ 0 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਚੱਕੇਗੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਰੱਖਤਾ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੱਬਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 100 ਕਾਰਡ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ 100 ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ। 200-300 ਤਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ, ਮਿੱਕੇ ਮੁੱਕੇ ਵਰਗੇ। ਚਲੋ ਕੰਪਨੀ ਬਾਏ ਬੈਕ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਘੱਟ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਆ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਰੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਅਗਲਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਭਰੀਏ, 5-star ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਫੋਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫੋਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਆਊਗੀ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਕਚਰ।